विमल प्रेजेंट्स साइबर वॉर हर स्क्रीन क्राइम सीन स्ट्रीमिंग फ्री ऑन वूट डाउनलोड द ऐप नाउ। दिन भर की फिल्मी खबरों और एंटरटेनमेंट की लेटेस्ट अपडेट्स देने वाला द सिनेमा शो शुरू हो चुका है। मेरा नाम है जीशा और चलिए डालते हैं नजर आज की जरूरी खबरों पर। हाउस ऑफ द ड्रैगन का नया पोस्टर आ गया। ये पॉपुलर शो गेम ऑफ थ्रोन्स की प्रीक्वल सीरीज होगी। पोस्टर में रनेरा टारगेरियन दिख रही है। सीरीज को 21 अगस्त से डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकेंगे। महेश बाबू की फिल्म सरकारू वारी पाटा थिएटर के बाद अब OTT पर रिलीज हो चुकी है। इसे Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। वैसे इसका रिव्यू आपको हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएगा। रवि तेजा की पहली पैन इंडिया फिल्म रामराव ऑन ड्यूटी की रिलीज डेट आ गई। इसे 29 जुलाई को सिनेमाघरों में उतारा जाएगा। कोविड की वजह से ये फिल्म लंबे समय से पोस्टपोन हो रही थी। शिल्पा शेट्टी और अभिमन्यु डसानी की फिल्म निकम्मा बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई। 6 दिनों में फिल्म ने सिर्फ 1.83 करोड़ रुपए की कमाई की है। जॉन इब्राहिम रिसेंटली एक इंटरव्यू में बड़ी बोली बोल गए। उन्होंने कहा कि वो कभी OTT प्लेटफॉर्म पर फिल्में नहीं देखते। उन्होंने कहा, बतौर एक्टर मुझे OTT बिल्कुल पसंद नहीं, मैं केवल पर्दे पर ही रहना चाहता हूँ। उनका कहना है कि वो अब सिर्फ वही फिल्में करेंगे जो बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। वो 299 या 499 रुपए महीने के लिए बिकने को तैयार नहीं है। Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई मॉडर्न लव मुंबई सीरीज को खूब पसंद किया गया था। अब इसके हैदराबाद वर्जन यानी मॉडर्न लव हैदराबाद की रिलीज डेट आ गई। इसे 8 जुलाई से देखा जा सकेगा। प्रभास जल्द ही ओम राव की फिल्म आदि पुरुष में दिखाई देने वाले हैं, जिसमें वो भगवान राम के रोल में होंगे। बॉलीवुड लाइफ की रिपोर्ट के मुताबिक प्रभास ने इस फिल्म के लिए अपनी फीस करीब 20 करोड़ रुपए बढ़ा दी है। अगर मेकर्स उनकी फीस में बढ़ोतरी करते हैं तो उनकी फीस 120 करोड़ रुपए हो जाएगी। इससे फिल्म का बजट भी 25% तक बढ़ जाएगा। वैसे अभी इस पर किसी भी तरह का ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं मिला है। जानवी कपूर और उनके फादर बॉनी कपूर जल्द ही एक प्रोजेक्ट पर साथ काम करने वाले हैं। नहीं, ये कोई फिल्म नहीं होगी, बल्कि दोनों एक विज्ञापन के लिए साथ काम करेंगे। पैशन फिल्म इंडिया के CEO संदीप सिंह बेदी ने इस बात को कंफर्म किया है। विजय सेतुपति की मलयालम फिल्म 1901 का पोस्टर रिलीज कर दिया गया। इंदु VS के डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म में विजय के साथ नित्या मेनन दिखेंगी। कहानी भारतीय संविधान के आर्टिकल 1901A पर आधारित है। शाहरुख खान की फिल्म जवान को लेकर खूब बज है। खबर है कि एटली के डायरेक्शन में बनने वाली इस मूवी में दीपिका पादुकोण का स्पेशल कैमियो होगा। पिंक विला की रिपोर्ट के मुताबिक दीपिका को उनका ये रोल बहुत पसंद आया है और उन्होंने इसे करने के लिए हामी भी कर दी है। बस पेपर वर्क होना बाकी है। वैसे ये रोल क्या होगा फिलहाल इसकी कोई जानकारी नहीं है। रिया चक्रवर्ती के खिलाफ NCB ने स्पेशल कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में ड्रग्स के एंगल से जांच हो रही है। NCB ने रिया चक्रवर्ती, उनके भाई और अन्य लोगों को आरोपी बनाया है। इस मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी। कृति सैनन ने रिसेंटली दिए इंटरव्यू में कहा कि इंडिया में वुमेन सेंट्रिक फिल्मों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन उनके बजट को नहीं बढ़ाया जा रहा। कृति ने कहा कि वुमेन सेंट्रिक फिल्मों की डिमांड भी अब ज्यादा हो रही है, मगर फिर भी इसके बजट में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि फिल्म मेकर्स को शायद ऐसा लगता है कि वुमेन सेंट्रिक फिल्में अच्छा बिजनेस नहीं करेंगी, इसीलिए उनका बजट कम ही रखा जाता है। एक्टर अनु कपूर इन दिनों फ्रांस में है। उन्होंने अपने एक वीडियो में बताया कि पेरिस में उनका सामान चोरी हो गया। चोर पैसों से भरा उनका बैग, उनका iPad, डायरी और क्रेडिट कार्ड चुरा ले गए। रणबीर कपूर की फिल्म शमशेरा से संजय दत्त का कैरेक्टर पोस्टर आ गया। वो फिल्म में दरोगा शुद्ध सिंह का रोल प्ले करेंगे। फिल्म का ट्रेलर 24 जून और फिल्म 22 जुलाई को रिलीज होगी। राम तेरी गंगा मैली फिल्म एक्ट्रेस मंदाकिनी जल्द ही पर्दे पर वापसी करने जा रही है। वो एक म्यूजिक वीडियो में दिखेंगी जिसका टाइटल होगा माँ ओ माँ। इसका फर्स्ट लुक आ गया है। मंदाकिनी ने अपने इंस्टा अकाउंट पर इसे शेयर किया है। इस वीडियो सॉन्ग की शूटिंग इस मंथ के एंड में की जाएगी। तो बस ये थी आज की बड़ी खबरें। आपके लिए इन खबरों को लिखा है हमारी साथी मेघना ने। अब मिलेंगे कल। शुक्रिया। पुराने किस्से सुनने नौशाद मधुबाला प्राण जैसे जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें ललन टॉप सिनेमा।